अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोन स्टाइल एकदम क्रीमी झाग वाली कॉफ़ी, जो बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है। तो हम बनाएंगे क्योंकि ठंडी का मौसम है, कॉफ़ी किसे पसंद नहीं, तो हर घर में कॉफ़ी बनती है। हम बनाएंगे मेरे तरीके से, तो शुरू करते हैं। ये है शक्कर, मैंने एक कप प्याली ली हूँ। ये कॉफ़ी है और ये हॉट गरम पानी है जो मैंने रखा, और ये दो कप मेरा खाली है। तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें दो चम्मच शक्कर डालूँगी, मुझे कॉफ़ी दो कप बनानी है तो दो चम्मच शक्कर ली हूँ मैंने। अभी दो पैकेट भी कॉफ़ी डालूँगी, ये है दूसरी पैकेट। अब ज़रा सा गरम पानी को इसमें डालूँगी, ताकि गरम पानी इसके लिए डाली ताकि मेरे शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए, और अच्छे से इसको अभी मैं उछलाते जाऊँगी, अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी। बहुत देर तक आप मिक्स करेंगे जब तक का कलर चेंज नहीं हो जाता है और उसको क्रीमी नहीं बन जाता है। मेरा हाथ से हिला के मिक्स करके हो गया था, तो अभी हम इसमें मिक्सर लगाएँगे। केक बनाने वाली मशीन होती है ना, तो उससे ही हम इसको मिक्सर में अच्छे से फेरते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों के पास केक बनाने वाली मशीनें हैं तो ये बैटर को मिक्सर में डाल के और मिक्सर में भी हम घुमा सकते हैं। जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतना ज़्यादा क्रीमी बनेगा और पफ जैसे हो जाएगा। इसे लगभग 8 मिनट तो ही चलाना है आपको। ये मेरा बैटर बनके रेडी हो गया, आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना अच्छा गाढ़ा, कितना अच्छा क्रीमी हो गया है। ये खाली कप है तो अभी इसमें मैं दो चम्मच डालूँगी। हम ज़्यादा चम्मच इसमें डालेंगे तो क्योंकि कड़वी हो जाएगी कॉफ़ी। ये है गरम दूध, हम इसमें कॉफ़ी में डाल देंगे। आप कभी भी कॉफ़ी बनाएं तो गरम दूध का यूज़ करें। तो अच्छे से जब भी आप कॉफ़ी बनाएं तो एक साइड पहले ही दूध गरम करके रख लें। टू पीस हम इसको अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि एकदम क्रीमी और झाग झाग बनेगा। ये है मेरी कॉफ़ी बनके रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी कॉफ़ी बनाने की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट भी दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।